उसी की पूजा कर लेता है, उसी से सामान तोल देता है, इसका नाम भक्ति है। जगत छोड़ करके नहीं भागना, घर को छोड़कर भागने वालों को परमात्मा कभी नहीं मिलते हैं। घर में बहू में, बेटी में, बेटे में, जानवर में, भैंस में, गाय में, बैल में, कुत्ता में भगवान के दर्शन करने का प्रयास करो, उनमें भगवान विराजमान है। है मूर्ति धाम, मुझे पता नहीं और जगह है कि नहीं है, लेकिन बहू बेटी में, पुत्र में, माँ में, पिता में, कुत्ते में, बिल्ली में, बंदर में, गधे में भगवान है, ऐसा शास्त्र प्रमाण देते हैं। नामदेव ने कुत्ते में कृष्ण पैदा कर लिया, एक नाथ ने गधे से शिव जी पैदा कर लिया। अरे जब ये गंडकर गदान में भगवान प्रकट हो रहे थे तो हम आदमी में बेटा में भगवान को देख पा रहे, हमारी बुद्धि तो इतनी भ्रष्ट हो गई, क्योंकि बेटा तो रह गया पीठ पीछे और दिखाने वाले ने सारा कर दिया कि वो भगवान रहा। अब भागे रहा तू जिंदगी भर, भाग तो नहीं मिल रही। हनुमान जी लंकनी के एक घूसा मारते हैं, भेद बुद्धि जब समाप्त होती है, जब तड़ी पड़ाई जाती है, घूसा मारते लंकनी समझ गई कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण ने, रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब कहा था कि लंकनी जिस दिन कोई बांदर तेरे घूसा मारेगा समझ लेना कि रावण का अंत आ गया। हाथ जोड़ करके लंकनी खड़ी हो गई, हनुमान जी के चरण पकड़े, कहा कि अब जाओ कि प्रवेश नगर की जय सब और लंका में प्रवेश किया। और अब आप अच्छी तरह सुनना, मैं अर्थ नहीं करूंगा, केवल चौपाई बोलूंगा, अर्थ तुम्हारे ऊपर है, आपकी इच्छा हो जो अर्थ करो, अगर मैं अर्थ कर दूंगा तो तुम मेरा अनर्थ कर दोगे, रामायण का नहीं करोगे, तुलसी का नहीं करोगे, राम का नहीं करोगे, अगर मैं अर्थ कर दूंगा तो आप मेरा अनर्थ कर दोगे। मुझे पता है आपकी बुद्धि भेद बुद्धि है, और अगर मैंने अर्थ कर दिया तो आप जगत में जाकर के कहोगे कि गुरु जी तो ऐसे बता रहे। यहां दो चीजों की परिभाषा दी है बाबा तुलसी ने, एक मंदिर है, एक घर है, श्रेष्ठ कौन है इसका अर्थ आप करेंगे। बाबा लिखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर सौधा और देखे जहते अग्नित जोधा। एक एक मंदिर में जाकर के देखा, भक्ति नजर नहीं आई, मां जान की नजर नहीं आई, प्रत्येक मंदिर में योद्धा लड़ाकू बैठे थे। और नीचे लिखा रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए। एक घर देखा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं कि मंदिर में तो भगवान रहते होंगे जिसको हम बनाते हैं, लेकिन घर भगवान बनाता है, उसकी एक भी वस्तु हमारी नहीं है, लुगाई हमारी है क्या, उठार भाग्या बना करके देती है, घर में बनाता ना है अतरी मच्छी, तो घर की घरवाली कोई और है, पुत्र कोई पैदा नहीं कर सकता, परमात्मा की सृष्टि का अभिन्न सर्जन है पुत्र। सास बहू बेटी रिश्ते जहां होते हैं, घर होते हैं, वहां राम रहते हैं। राम युद्ध अंकित रहे शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी का वृंद कहे देख कपि हर्षा। घर को देख करके अब एक तरफ रा लिख रखा, एक तरफ मैं लिख रखा, इसने विभीषण राम राम भक्त है विभीषण, एक तरफ रा है एक तरफ मैं है। एक दिन रावण आ गया, अच्छा राम का स्मरण करता है, अरे भाई मैं थारो स्मरण करूं दादा,
क्या कुटिया में तो राम लिख रखा है, कहाँ लिख रखा है राम? देख इधर रा, इधर मैं। हे भैया आप इतने विद्वान होकर के जानते नहीं हो, रा यानी रावण और मैं यानी भाभी मंदोदरी। रावण खुश हो गया, न लाठी टूटी सांप मर गया। भैया रा यानी रावण, मैं यानी मंदोदरी, मैं भाभी मंदोदरी और आपके भजन करता हूं, जबकि घट में जो है रावण चले गए। हनुमान जी ने राम लिखा देखा, रामा युद्ध धनुष और बाण के चित्र देखे, समझ गए हनुमान जी कोई भक्त है। जाकर के प्रणाम किया, विभीषण ने हनुमान जी को देखा, कौन आप कौन है? कि मैं पवन पुत्र हूं और मैं रावण का भाई हूं। पर हे पवन पुत्र, आपका आगमन अचानक मेरी कुटिया में क्यों? हनुमान जी महाराज ने प्रभु राम की सारी कहानी सुनाई। जब राम कहानी सुनाने लगे तो विभीषण की आंखों में आंसू आने लगे। हनुमान जी समझ गए कि राम भक्त है। फिर कहा कि तुम्हारा भाई रावण मां जानकी को चुरा के ले आया कि बिल्कुल ले आया, बस मैं उसका पता लगाने आया हूं। पर विभीषण ने कहा कि पता तो मैं बता दूंगा, पर एक शर्त है। क्या? कि मैं सौदा करूंगा जानकी, ऐसे ऐसे फोकट में नहीं बताऊंगा। संत और शिष्य वही होते हैं जो सौदा करके गुरु शिष्य बनते हैं। गुरु एक सौदागर है, शिष्य ग्राहक है और गुरु की दुकान है। सौदा करना चाहिए, गुरु सौदागर है साहब। विभीषण ने कहा कि मैं जानकी को ऐसे नहीं सौदा करूंगा। मैं क्या कि देख, मैं जानकी का दर्शन कराने की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि आपने अभी तक जानकी को नहीं देखा लेकिन राम को आपने देख रखा। हनुमान जी का बिल्कुल, और मेरे समस्या दूसरी है। विभीषण ने कहा कि क्या कि मैंने जानकी को तो देखा है लेकिन अभी तक राम जी को नहीं देखा, अब तूने जिसको नहीं देखा वो मैं दिखाऊं और मैंने जिसको नहीं देखा वो तू दिखा, सो तो पक्को सो तो पक्को तो क्या चली जा। अशोक वाटिका में बैठी है, राम कथा में दो ही वाटिका, एक पुष्प वाटिका एक अशोक वाटिका, और ये दोनों सीता जी के लिए ही बनी है। दोनों सीता जी के लिए है। लंका से दूर थोड़ा अशोक वाटिका, हनुमान जी जाते हैं और हनुमान जी ने देखा कि मां जानकी एक पेड़ के नीचे रुदन कर रही है। हनुमान जी ने विचार किया क्या करूं, क्योंकि राम जी ने हनुमान जी से यह कहा था कि तू सामने मत जा। क्यों? क्योंकि जानकी है ना, वो बंदर का चित्र देख करके डर जाती है। अगर तू साथ साथ चले गए तो प्राण बच जाएगी तुझे देख करके। थोड़ा सिस्टम से जाना, दिमाग से जाना। हनुमान जी ने कहा क्या करूं, पेड़ के ऊपर बैठे हैं हनुमान जी, बंदर है ना। वैसे बंदर का अर्थ यहाँ हनुमान जी को हम बानर नहीं कह सकते। हनुमान जी की पूंछ पूंछ नहीं है, पूंछ है, पूंछ। हनुमान जी की पूंछ है साहब, हनुमान जी को लोग पूछते हैं इसलिए हनुमान जी पूजे जाते हैं। और बंदर का मतलब होता है जो जंगल की कीमत करे उसका नाम बंदर है।
वन दर दर यानी कीमत भाव मूल्य प्राइस दर का अर्थ होता है और वन की दर यानी कि जिसको जंगल की कीमत याद है उसका नाम हनुमान जी है। पेड़ पे जाकर के बैठे और नीचे हनुमान जी देखने लगे, मां रो रही है कह रही है निज मन दिए कमल नयना राम पद कमल लीन। अपने मन को अपने चरणों में लगा कर कहती है कि हे चरण, अगर तुम लक्ष्मण की लक्ष्मण रेखा को नहीं उलांघते तो आज ये आंसू नहीं बहाने पड़ते। रो रो कर बिहार है, रावण आता है और सीता को धमकाता है, लेकिन रावण इतना पापी नहीं है जितना लोगों ने कर रखा है। रावण ने कहा कि एक बार बिलो की मन ओरा, हे सीता एक बार बिलो की का मतलब होता है पवित्र दृष्टि से मुझे देख ले, मेरा उद्धार हो जाएगा। कहना तो यह है रावण बहुत विद्वान है, साथ था। जब चंद्रहास दिखाया तो सीता ने तिनका दिखाया। अब लोग मेरे से पूछते हैं कि तिनका क्यों दिखाया, भाटो उठाती ना। लेकिन तिनका इसलिए दिखाया है, तिनका में मर्यादा देखेंगे। बाबा तुलसी ने क्या मर्यादा भरी है, एक शब्द की मर्यादा, क्योंकि ये तिनका है ना, तिनका ये घास, ये जमीन से पैदा होता है, ठीक है ना। और सीता जी कहां से पैदा हुई है, जमीन से, यानी कि सीता जी के भाई का नाम तिनका है। और कोई कितना भी बड़ा राक्षस क्यों ना आ जाए, जब तक भाई जिंदा रहता है ना, अपनी बहन की कोई आबरू नहीं ले सकता। इसलिए तिनका खड़ा करती है कि अगर तूने गलती से चंद्रहास चला दिया तो ये देखा नहीं है, ये तिनके की आग तेरी लंका को जला करके राख कर देगी। इसलिए तिनका उठाती है। और दूसरा कारण मैंने आपको बता रखा कि वो वही तिनका है जो सरकंडे का बाण है। विद्वानों के अर्थ ऐसा, जब कुछ भी समझ में नहीं आया रावण धमका के चले गया, क्या करूं क्या करूं, कपि मन की न विचार, क्या करूं, विचार करने लगे। सोचा कि जिसकी आंख में आंसू हो उसे राम कथा सुनानी चाहिए। याद रखना कि अगर कोई भाई की आंखों में आंसू हो तो उसके सामने काम चर्चा मत करो, राम चर्चा करो, क्योंकि काम चर्चा रुलाती है और राम चर्चा हंसाती है। बोल रामचंद्र भगवान। काम से आदमी रोता है और राम से आदमी हंसता है और गुरु से आदमी जागता है। इसलिए मैं तो आपको जगा दे आया हूँ, 9 दिन तक तुमको जगा लिया, अब जागो तो जागो नहीं कुआं में पड़ जाओ। अब मैं और कहीं करूँ साहब, 9 दिन हो गए कहते कहते। अगर अब भी नहीं जागया तो समझ लो कि फिर भैंस पानी में बैठ गए। और हनुमान जी ने मां जानकी को राम कथा सुनाई है साहब। जैसे ही मां रोने लगे हनुमान जी कहने लगे, ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, जानकी ने रोना बंद किया, कौन है भाई, कौन है सामने आओ, कौन है। हनुमान जी चुप हो गए। फिर मां रोने लगी, फिर हनुमान जी ने राम कथा प्रारंभ की। वो सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के बुझियारे,
कि राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, अरे मधु भरी बाने, अरे राम कहानी सुनो रे, राम कहानी हो, राम कहानी सुनो रे, माँ कहने लगी कौन है भाई, सामने आओ। हनुमान जी फिर चुप हो गए। फिर माँ जानकी रोने लगी। हनुमान जी ने फिर राम कथा फेंक दी। राम कथा सुनाने की वस्तु नहीं, फेंकने की वस्तु, क्योंकि फेंकी हुई चीज की चोट ज्यादा हो, फेंक के मारो ताकि आदमी घायल हो जाए, और फिर घायल की गति घायल जाने, जगत विचारो कहीं जाने। मीरा जब राम के नाम से घायल हुई, अरे बही मीरा दरदा दीवानी को, अरे दरदन जाने को रे बहिरा, और मीरा कहती है कि मीरा को दुख जब मिटेगा, जबर शब्द के अर्थ रखे, जबर शब्द में श्लेष अलंकार है, जबर का मतलब होता है कि जब मिटेगा, और जबर का मतलब होता है कि जबरदस्त दर्द है। क्या रचना है सात संतों को, मीरा को दुख जबर मिटेगा, अरे पैदी साबिर हो रे बही मीरा मगन दीवानी, धरो दर्द न जाने ओ। ये काफी राग है, इसको होली भी कहते हैं। सीता का दुख राम नाम से मिटता है। और फिर हनुमान जी प्रकट होते हैं, मुद्रिका देते हैं, पता लगा, बातें हुई, लंका में आग लगाई है हनुमान जी ने, रावण की सभा में ले गए। कौन है तू, अरे मैं तो बांध रहा हूं पर तू बता तू कौन है, अरे मूर्ख तू बोल कौन जाना, मैं बांध रहा हूं जंगल को जान कर, पर तू आदमी तो कौन है, क्यों आदमी के 20 भुजा और 10 माथा बनो, तो कान का बवाल है, पर हे बवाल कान खोल सुन ले, तूने माँ जानकी को चुराया है, प्रभु राम का अपराध किया है, अभी भी समय है, तू मेरी शरण में आ जा और प्रभु राम से क्षमा मांग ले, माँ जानकी को लौटा दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। अच्छा कपि की ममता पूछ पर, रावण ने क्या कि बांध रहा कि ममता पूछ पे हो लगा हुआ है, कतरो गजब को वैज्ञानिक के पास हनुमान जी, 1 रुपया को खर्चो बोले, 1 रुपया को ये आदमी फालतू में रफाल फपाल में मंगा रहे थे, हम रामायण से लो शस्त्र, भारत को एक राम जी को दूत लंका में कियो, लंका से लड़ाई होना तय है, दूत गया और दूत ने जो अपने करतूत दिखाए वो सुने आप, घासलेट को तेल रामन को,
चपड़ा रावण का, लंका रावण की, छोरा छोरी रावण का, भाई बंधु रावण का, माचिस रावण की, माचिस की तिल्ली भी रावण की, एक रुपया को खर्चो को ना लंका को जला रहा। इसका नाम है विदेश नीति। आंतरिक माने से विदेश नीति भी समझाती है, पर कोई 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 नेता तो सुने तो सुना वाला भी नेता इनको कहेंगे। समस्या यह है, अगर कोई नेता जी आवे राम कथा सुने तो एक रुपये बोल लागे और अमेरिका को नेहरू बैठे बैठे। इतनी गजब की कथा है, एक रुपये का खर्च नहीं और लंका जला करके राख कर दी। राम जी जब वापस लौटे सीता जी से मिले तो कोई बिना विघ्न के हनुमान जी वापस आ गए, क्योंकि भक्ति की प्राप्ति होने के बाद में कोई भी नारी भगत को परेशान नहीं कर सकती है। सीता माँ के दर्शन किए, हनुमान जी वापस लौटे। राम जी ने कहा कि हनुमान जी ने पता बताया कि प्रभु मैं देख करके आ गया, जानकी जिंदा है लेकिन उन्होंने चूड़ा मने उतार कर दिया है निशाने के तौर पर, अगर एक महीने में नहीं पहुंचे तो मैं जानकी अपने प्राण कर देगी। राम जी ने कहा तुम तो सीता भी था तो भाई भाड़ में ना बैठे। हनुमान जी ने क्यों कहीं हो गई कि तू यह बता कितने लंका में आग क्यों लगाई थी, तू सीता का पता लगा दी तो लंका में आग लगा दी। राजा ऐसा होना चाहिए, स्वामी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य को उसकी गलतियों को की प्रशंसा नहीं करनी है, गलतियों की सजा सुनानी चाहिए। अरे तेरे को सीता का धन अक्षय कुमार को मार दिया, किसी का बेटा मार भाग लिया थोड़ी भेजू मैंने, कितनी मर्यादा है साहब, दुश्मनों के साथ भी न्याय होता है, कितनी बड़ी मर्यादा है राम कथा की। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अक्षय कुमार को तो मैंने इसलिए मारा है कि अंगद का कांटा साफ कर दिया, क्योंकि राम रावण युद्ध तय है इसलिए अक्षय कुमार का मरना जरूरी था। और कहते लंका में आग के महाराज, आग तो मैंने जैसे लगाई हूँ लंका में, कहते मैं सोना का मिरग का चक्कर में सीता जी खो बैठे। अगर गलती तू लंका में चले जाओ और तुमको वहां सोनो सोनो दे दो ना तो सीता बीता तो कोई याद ही होना थी ना कहीं कर बुलाए जाते तुम जब सोना कोई काम तमाम गिरा। राम जी मुस्कुराते हंस करके राम जी ने कहा कि बैठ जा यार भाई, तो उड़ जीता लिया। फिर अंगद को भेजा कि यार एक बार और समझाओ, समझ जाए रावण तो कितने दयालु है मेरे राम, अगर हमारी लुगाई को कोई ले जाए ना तो हम कहीं करेंगे मालूम है तुमको, को हम बड़बो तो दूसरी ले आऊंगा। अरे वारे वाह मर्द क्या मुझे है, दूसरी ले आऊंगा, उनको कौन छेड़ ले, मर्द हो तो उसको लाके बता और जो ले गया है उसको समझा के बता, ये राम चरित्र मानस का सूत्र है। रावण ने कहा कि नहीं अंगद तुम जाओ एक बार और समझाओ। अंगद गया और अंगद ने रावण को समझाया कि अभी समय है, समय रहते हे पापी, पापी शब्द का प्रयोग किया है अंगद, अभी भी लौटा दे, समय है, राम माफ कर देंगे, मेरे राम जी दयालु हैं, करुणा निधान है, सृष्टि के मालिक हैं, तुमने जगवंदना जग जननी मां जानकी को चुराया है, अभी भी लौटा दे, माफी मांग ले। रावण ने कहा कि तू भाई जी बाली को बेटो हाँ के डूब मर कहीं डूब कर मर जा पापी नीच, तेरे बाप को उसने एक बाण से मार दिया और तू उसकी शरण में रह रही हो, शरम नहीं आती। अंगद ने कहा कि शरण तो उसकी लेनी पड़ेगी। और रावण हनुमान जी तो लंका जला के गए, तेरे एक बेटे की क्षति करके गए, पर मैं आपको समझा देता हूं, अगर तेरे भुजाओं में ताकत है, तेरे योद्धाओं की भुजाओं में ताकत है तो मैं एक शर्त रखता हूं। और भरी सभा के बीच में अंगद ने अपना पांव उठा करके जमीन पर धमाक से मेला और कहा कि अगर तू इस पैर को जमीन से उठा करके बता दे तो मैं जानकी को यही छोड़ जाऊंगा और राम जी को वापस अवतरण कर दूंगा।
इतनी बड़ी संत है साहब, इसको कहते हैं राम नाम की विश्वास की ताकत। अरे मेघनाथ से कोटलियो धव लगे उठावन पाऊं को, अरे बट्टो नहीं लग जावे भैया दसकंधर के नाम को, अरे रावण ठाडो हुए उठावे जब अंगद के पांव को। मेघनाथ से कोटि योद्धा उठक उठ करके और अंगद के पैर को उठाते हैं, लेकिन अंगद का पैर नहीं उठ पाता है। अंत में रावण खड़ो हुए और जैसे ही रावण ने अंगद का पैर पकड़ा और अंगद ने एक लात मारी रावण पे, पैर पकड़ गया तो प्रभु राम की पकड़ इस दास की क्यों पकड़ रहा। रावण ठाडो हुए उठावे बा अंगद के पांव को, अरे अब तू छोड़ पराई आस तेरे मुख में ले ले ग्रास, ले चल सीता जी को साथ मारा लार में तेना हाथ दियो, हे रावण तेना हाथ दियो काल काटी पारा में तेना हाथ दियो, तेना काल का पिटारा में हाथ दे दियो रावण। और फिर रावण को समझा करके अंगद आता है, तब भी राम जी फिर क्लास लेके अंगद शर्म नहीं आई। सीता जी को दावत लगा दी, अगर मान लीजिए गलती से पांव उठ गया तो अंगद ने कहा प्रभु पांव कैसे उठ जाता है, क्यों क्या किया तूने, कहिए सीता जी जमीन की बेटी है, मैंने जमीन से कह दिया कि अगर तेने पांव छोड़ दियो तो थारी बेटी गई काम। और माँ अपनी बेटी की पक्षधर होती है, इसने सारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जितनी भी थी वो पैर के लगा दी और मेरा पैर तो टस से मस भी नहीं हुआ था। क्या वैज्ञानिक दृष्टि का ग्रंथ है साहब। बेटी का पक्ष लेती है माँ, राम राम युद्ध हो, राम रावण युद्ध हुआ, मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में जो युद्ध है वो मेघनाथ और लक्ष्मण का नहीं है, ये युद्ध है उर्मिला का और सुलोचना का, क्योंकि सुलोचना भी पतिव्रता है और उर्मिला भी पतिव्रत है, लेकिन उर्मिला का पतिव्रत धर्म इसलिए मजबूत है कि वो पति सेवा में 14 साल से खड़ी है और सुलोचना खा करके पड़ी है। दोनों के पतिव्रत धर्म की बिजलियां आकाश में चमकने लगी, कड़कने लगी, गूंजने लगी और मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में घोर संग्राम चालू हो गया। मेघनाथ का शक्तिवान लक्ष्मण के हृदय में लगा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। रावण के सारे योद्धा मिलकर के लक्ष्मण को उठाते हैं, लेकिन लक्ष्मण नहीं उठ पाता, क्योंकि जिसने सारी पृथ्वी की खोपड़ी पर धर्मेली हो गए उनको कौन उठा सके, उनको भाई उठावे जो उनका बिस्तर पर सो रही हो। और फिर हनुमान जी आए तो लक्ष्मण को अकेले ही उठा करके राम जी के पास ले गए, राम जी रुदन करने लगे, हाय लखन हाय लखन भैया लखन भैया, राम रोने लगे। सभा बुलाई गई, रामादल इकट्ठा हुआ, क्या करें वेद बुला जाए, वेद कहाँ है, रावण की लंका में कौन लाएगा, हनुमान जी ने कहा कि मैं लाऊंगा। और घर के समीप
सुसैन वेद को उठा लिया, अगर जगाऊंगा तो चिल्ला चोट करेंगे और चिल्ला चोट करेगा तो लोग बाग दौड़ेंगे, इसलिए घर सहित ही उठा करके ले आया ताकि जड़ी बूटी बार बार में मंगाने नहीं पड़ेगी, घर में धरिए सारी की सारी दवाई ले चलो, कहा कि जड़ी बूटी दो। राम ने कहा कि मेरा धर्म नहीं है, सुसैन वेद ने कहा कि मेरा धर्म नहीं। राम ने कहा कि धर्म क्या है? एक वेद का धर्म यह कि रोगी चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी शहर का हो, चाहे दुश्मन का ही क्यों ना हो, वेद का धर्म होता है कि उसको इलाज करना चाहिए। सुसैन वेद ने कहा कि संजीवनी बूटी आए तो इलाज हो, और वो भी दिन उगने से पहले। कौन लाएगा? हनुमान जी ने कहा मेरा। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, संजीवनी बूटी और गाय कौन भी सबरी का बेहर जो गया, वहां गए तो सुसैन वेद ने बताया कि जिस रूखड़ी के ऊपर रात में हरे पीले प्रकाश की चमक दिख रही हो, अपने आप प्रकाशित हो रही हो, उस रूखड़ी को लेके आना। लेकिन वहां रावण ने और कालनामी ने मिल करके वहां पूरे जंगल में सब रूखड़ी में प्रकाश कर दिया, तो हनुमान जी महाराज पूरा पर्वत को उठा दिया। अब लेके तो आ रहे थे, लेकिन जब लेके जा रहे थे तब भरतलाल जी की कुटिया के ऊपर होकर के हनुमान जी निकले, तो भरतलाल जी ने सोचा कि कोई न कोई मायावी राक्षस पर्वत उठा करके राम जी की सेना के ऊपर पटकेगा। भरतलाल जी ने एक बाण चलाया, हनुमान जी को नीचे पटक दिया। लोग बात कहते हैं कि हनुमान जी नीचे गिरे तो वह पर्वत को गाय हुए, बाबी को ऊपर आर पड़े हुए प्रसन्न। लेकिन जो उठार सामान ले आओ ना, पड़वा को भी होश रहे, उन पर ढंग से गिरे हो, पहाड़ भी एक तरफ पटके होगा वो खुद दूसरी तरफ गिरे होगा, मोटरसाइकिल पर से भी गिरा है आदमी तो ढंग से गिरा है, हाँ टक्कर हो जाए तो बात दूसरी। और इधर राम विलाप करते हैं, इधर हनुमान जी के बाण लगा, भरत जी के ने देखा, हनुमान जी के मुख से हे राम शब्द निकला, भरत समझ गए और राम जी रुदन कर रहे हैं, ओ मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मत ना भैया को रुलारे बोल कछु बोल, मेरे बोल लखन दुलारे बोल कछु बोल, इस धरती पे और न होगा मुझ जैसा आभागा, इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा आभागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन पे लागा भैया, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन पे I'm
सूरज डूब न जाए, सूर्यवंश का सूर्य निकल कर सूरज डूब न जाए, बिना बुलाए बोले वाले, बिना बुलाए बोले वाले बोले नहीं बुलाए। वियोग में राम गोद में लेकर के बैठे हुए रुदन कर रहे हैं, हे लखन अगर तेरे प्राण निकल गए तो मैं मां सुमित्रा को क्या मुख दिखलाऊंगा भैया, और मां सुमित्रा को तो हाथ जोड़ करके मना भी लूंगा, लेकिन अगर तेरे प्राण निकल गए तो मैं उर्मिला के सामने कैसे जाऊंगा। भैया तू राम के खातिर उर्मिला की मांग का सिंदूर नहीं उजाड़ सकता, नहीं उजाड़ सकता, नहीं उजाड़ सकता। रो रहे हैं प्रभु राम। हनुमान जी ने कहा भगवान जी मुझे जल्दी पहुंचाओ वरना प्राण निकल जाएंगे लखन के। सारी अवधि इकट्ठी हो गई, माँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा और उर्मिला मांडवी श्रुति की सब आई, और जैसे हनुमत ने कहा कि अगर मैं नहीं गया तो बहुत बड़े अन्याय हो जाएगा, तब उर्मिला सब रो रहे थे लेकिन उर्मिला की आंख में आंसू नहीं थे। हनुमान जी ने कहा कि उर्मिला जी मैं आपको ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ये बताओ कि सारा अवध रो रहा है, हनुमत संजीवनी बूटी लेकर जा रहा है, और तुम्हारे सुहाग पतिदेव लखन के शक्ति बाण लगाए हुए मूर्छित राम की गोद में पड़ा है, फिर भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता है क्यों? तब अवध की लाडली भाव उर्मिला बोली कि हनुमत भैया तुम्हें अभी पता नहीं है, अरे जिसकी रोम रोम में राम बसा हो उसको कोई बाण लग ही नहीं सकता, बाण तो काम को लगता है, राम को कभी बाण नहीं लगता, और मेरे पति देव कामी नहीं रामी है, और रामी में मेघनाथ में काम जैसे बाण काम नहीं करते हैं, तुम्हें पता नहीं है। उसको सोए हुए 14 वर्ष बीत गए, आज वो राम की गोद में सोएगा, प्रातः उठेगा और कल मेघनाथ का अंत हो जाएगा, ये मेरे आखिरी वचन है। क्या उर्मिला को अपने धर्म पर विश्वास है, क्या अड़िग पतिव्रत धर्म है साहब, और जब तक उर्मिला है तब तक उसके स्वाग का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए आप जाओ और निश्चिंत होकर के राम रावण का युद्ध होने दो। इतना कहते ही हनुमान की आंखों में आंसू आ गए, हे रघुकुल तू धन्य है, हे रघुकुल तू धन्य है।
आपके 10 मिनट में जय श्री राम राम राज्य की झांकी लगा दूंगा। जय श्री राम। परम सम्मानीय